बस इतना संख्या यहाँ पे सामने अंकिता इतने इतने अंकिता इतने मैम सामने यहाँ पे अंकिता जी सामने अरे यार सर एक बार राइट में या चुम्मा दिया मैं चार सामने सामने एक सामने हमको भी दो दे सामने यू गाइस मणिकर्णिका संग्राम सिंह रिपोर्टिंग लाइव सी यू बाय गाइस थैंक यू यार थैंक यू सर वेट वेट सर वेट वो दादा ये कौन सी पेस्ट मिस्ट्री थोड़ा आगे आगे थोड़ा आगे आने देना बस 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 इधर मिस्ट्री या राइट साइड मिस्ट्री या मिस्ट्री राइट राइट होल्ड होल्ड मैम या मैम मिस्ट्री जी यहाँ पे मिस्ट्री वन वाइया मैम यहाँ पे सेंटर में एक मिनट ये होगा हालो न गाओ इंद आद भाई वो राइट में सब लोग राइट में सर मोबाइल लेके दशरथ बाहो फलन ठीक बा अरे मैडम दो आपके राइट साइड में सेंटर यहाँ पे राइट में सर यहाँ पे राइट में सर कन्ना जी यहाँ पे ये कैमरा मैम यो मैम
मैम यहाँ पे राइट में हाथ खाली है मैम राइट में राइट 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 में राइट मैम राइट राइट कंगना मैम सामने कंगना मैम कंगना मैम राइट राइट योर राइट मैम मैम यहाँ How are you, sir? Welcome. My first question to you before you take a seat, of course, is with an epic story, do the words have to be bigger? The words? No, words play subservient to the great character we have. So, ye sab unke samne shabd jo hain, wo Rani Lakshmi Bai ji ke samne haath baandhe khade hote hain, ki aagya dein, kya likhna hai? और जैसे कि मैंने कहा कि हम में से कई सारे लोग हैं जो आपके वर्ड्स आपके बोल के फैंस हैं तो मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ये मंच आप ही का है सर सो प्लीज़ काइंडली टेक अ सीट एंड वुड यू रिसाइट अ फ्यू ऑफ दीज वंडरफुल एपिक प्रोपोर्शनड वर्ड्स टू आर वंडरफुल ऑडियंस एंड एज यू टेक योर सीट एंड रीड आउट दोज वर्ड्स मैं इसी मंच पर आप लोगों के लिए एक खास कार्यक्रम पेश कर रहे हैं नितेश भारती को बुलाना चाहूँगी इस स्टेज पर हाय नितेश भारत वॉल्यूम नहीं है और ऊपर और जोर से बोलूं जी लॉय है यहाँ पे तो कोई चिंता ही नहीं मुझे ये देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए मेरी नस नस तार कर दो मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए है मुझे सौगंध भारत है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे रक्त की हर बूंद मेरी है सदा अर्पण तुझे है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे रक्त की हर बूंद मेरी है सदा अर्पण तुझे युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए
मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शब्दों के साथ और इस कला के साथ लग रहा है कि वो वीकेंड 25 जनवरी का आ ही गया। जोरदार तालियां इन दोनों कलाकारों के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स एब्सोल्युटली एन ऑनर टू ब्रिंग दिस टू यू। नितीश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन आई गिव यू पद्मश्री श्री प्रसून जोशी साहब, इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू प्रसून जी, आई विल ऑफ कोर्स डिस्टर्ब यू, और मैं आपको स्टेज पर दोबारा जरूर बुलाऊंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन कहते हैं ना कि फॉर अ स्टोरी ऑफ एपिक प्रपोर्शन, जॉन जानी जनार्दन, ओके आई थिंक यू शुड से दैट ऑन द माइक। वेल फैबुलस, एक माइक जरूर हमारे आर्टिस्ट को दे दीजिए। श्रीनिधि एंड प्राजक्ता, शुक्रिया, आप दोनों को इस मंच पर हम आमंत्रित करना चाहते हैं। कुड वी प्लीज गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज एज दे टेक द स्टेज। थैंक यू गर्ल्स। शंकर सर, वी हैव टू डू अ क्वेश्चन विद यू फर्स्ट। प्रसून सर द सेम क्वेश्चन फॉर एक कहानी जो एपिक प्रोपोर्शंस की हो, तो क्या उसके लिए शब्द भी बड़े होने चाहिए? वैसे ही जब कहानी एपिक प्रोपोर्शंस की हो, क्या म्यूजिक भी बड़ा होना चाहिए? देखिए, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये जब हम जैसे म्यूजिशियंस के पास एक मौका मिलता है, तो आई थिंक द ओनली फीलिंग दैट वी गेट इज वी फील ब्लेस्ड, बिकॉज नॉट एवरी डे यू गेट अ चांस टू क्रिएट म्यूजिक फॉर अ फिल्म लाइक मणिकर्णिका, रानी ऑफ झांसी। एंड through this music, if we are able to communicate what she has done for the country, even a little bit through our music, I think we would have achieved a lot. So we thank the entire team. We thank Prasun Joshi, we thank Kangana, we thank Kamal Jain here, he's not here today, and the entire team, because it's truly a milestone for us. When we look back after many years, ki kya kiya hai life mein, to usme jo milestones hote hai na, उसमें आई थिंक मणिकर्णिका वुड बी समवेयर देयर इन द फ्रंट। जोरदार तालियां फॉर दैट लेडीज एंड जेंटलमैन। आई हैव ऑफ कोर्स कॉइंड अ न्यू टर्म फॉर द थ्री ऑफ यू, यू नो वी शुड मूव ऑन। प्लीज डोंट कॉल अस अमर अकबर एंड एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम देयर। टू मी यू ऑलवेज बीन द पोस्टर बॉयज ऑफ पेट्रियोटिज्म, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड कॉल देम फ्रॉम नाउ ऑन। विजय भव, आई नो अ लिटिल बिट अबाउट विजय भवा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे दोस्तों को, मीडिया के, उनको थोड़ा सा इसके बारे में इधर बताएं या फिर डेमोन्स्ट्रेट करें। आई थिंक इट्स अदर देन टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग, आई थिंक इट्स इजी इफ आई जस्ट सिंग इट, इजंट इट? व्हाट डू यू थिंक? यस, एब्सोल्युटली। सो वी हैव, आई मीन ऑफ कोर्स द सॉन्ग इज रिटन बाय ब्यूटीफुली बाय प्रसून जी, एंड आई हैव संग इट, एंड विद इट्स कंपोज्ड बाय मी एंड माय टू ब्रदर्स एहसान एंड लॉय। And also Srinidhi and Prajakta, who are some of the finest singers today in the country, they have contributed their voice to this. So I hope that we'll just sing it to the track now. And I hope you'll like the song. Ladies and gentlemen, please put your hands together for a very special performance. Shankar, Ehsaan, Loy. Come. Wow, thank you so much. And can we now request our audience to finally see, ladies and gentlemen, a big hand for Shankar, Ehsaan, Loy and their group. I have an observation to make about the Queen, which I will in just a little bit. Lekin isse pehle ki hum, thank you, looking glorious, our Queen as always, thank you so much. Hello everyone, I really have nothing to say to this, and I want to today say that these are my heroes. Everyone says, oh, you have no hero in the film. I say that's not true. We have a lot of heroes in this film. And to begin with, Prasoon sir, Shankar sir, Ehsaan sir, Loya sir, these are the heroes of my film. And
Chris, this song has actually a lot of contribution from him. So he's also one of the heroes. And Vijayendra sir, Kamalji, today he's not here. So to all the heroes, all the kings of the queen, cheers to them tonight. How wonderful, how wonderful. Kangana, I'd like you to actually stay back on the stage with us for a few minutes. I'd like to now insert the queen. Well, she could do with her kingdom by her side, right? So Shahrukh, of course, I'd like to invite you on the stage. Shankar sir, Ehsan sir, Loy sir, Prasunji, would you please join us back on the stage? Once again, I'd like to request the cast and the crew to kindly come up on the stage as we take questions from our dear friends of the media who've been waiting to see the Queen. Thank you so much, ladies and gentlemen. We have a couple of mics. We'll pass them around. Of course, this is my cue to our wonderful friends of the media for our...